Hello guys, and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Sharma Biology Tutorials. And today we are going to talk about a very new chapter, that is Anatomy of Flowering Plant. So सबसे पहले बात करते हैं about the definition of anatomy. We can easily identify the differences between different kind of organisms just by looking at them. काफी सारे ऐसे individuals होते हैं जिनको देखकर ही उनके morphological differences के बारे में बात की जाती है. So the external appearance of an organism is generally known as morphology. जो कि हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं बट द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज नोन एज एनाटॉमी. तो जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की और उसके अंदर सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनली उसके बारे में जब स्टडी करते हैं या फिर उसकी फंक्शनल फीचर्स की जब बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी. ओके, एंड सिंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. And what are flowering plants? They are known as angiosperms. We know very well that angiosperms are the flowering plants. So, काफी सारे same तरीके के cells होते हैं, but they have started doing different kind of functions. एक plant है तो उसके अंदर भी काफी सारे different cells होते हैं, which are differentiated to perform different kind of functions. Okay? For example, किसी का वाटर ट्रांसपोर्ट का अगर काम है तो वो अलग से डिफरेंशिएट हो जाएगा, उन सेल्स की प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग हो जाएंगी. कोई फूड ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है तो उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग हो जाएंगी. कोई स्ट्रक्चरल फीचर अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो थोड़े से अलग दिखेंगे. कोई स्ट्रेंथ अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो थोड़े से अलग दिखेंगे. सो देर आर सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स बट दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट वेज. तो वो काफी सारी अडेप्टेशन कर लेते हैं, काफी सारे सेल्स अलग अलग तरीके की मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स अडेप्ट कर लेते हैं या फिर काफी सारी चीज उनमें एड हो जाती है. तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आती हैं. दैट्स व्हाई एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट कि कोई अगर प्लांट किसी दूसरी कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है तो उसमें ऐसे क्या अडेप्टेशन आई, उसमें ऐसे क्या एनाटॉमिकल चेंजेस आए जिसकी वजह से इट इज एबल टू सर्वाइव इन ड्रास्टिक कंडीशन या फिर इन सम एबनॉर्मल कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, जो डेजर्ट में प्लांट ग्रो कर रहा है उसके अंदर की जो एनाटॉमी है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इज ग्रोइंग इन स्नो. स्नो में अगर कोई प्लांट मिल रहा है तो उसकी थोड़ी सी अलग होगी, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की अलग होगी, मैराइन प्लांट्स की अलग होगी, फ्रेश वाटर और एक्वाटिक वाटर, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में पाए जाने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की भी एनाटॉमी अलग होती है बिकॉज दे हैव अडेप्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव कर पाए. अगर आप एंजियोस्पर्म की क्लासेस की बात करें सो देयर आर मोनोकॉट एंड डाइकॉट. मोनोकॉट सिंपली मीन्स मोनो मीन्स वन and cot simply means cotyledon. So there is single cotyledon in this case, there are two cotyledons in case of dicot. So monocot or dicot belongs to angiosperms. दोनों के दोनों angiosperm के हैं, लेकिन इस particular chapter में जब हम बात करेंगे सारे flowering plants की यानी कि monocot और dicot की तो we are going to notice that कि एक ही particular group के organisms में भी काफी सारे dissimilarities होती हैं. monocot के features बिल्कुल अलग मिलेंगे, dicot के features बिल्कुल अलग मिलेंगे. So you can easily observe that thing कि अगर एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स आपस में इतने ज्यादा डिसिमिलर हैं तो अगर हम पूरे मतलब यूनिवर्स की बात करें तो कितने टाइप के हमारे पास प्लांट्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफर करेंगे और अलग अलग पोजिशंस पे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे रहने वाले प्लांट्स की प्रॉपर्टीज और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग मिलती हैं. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डायग्राम्स. एक बार जो सुनना है उसको एक बार लिख के देखना है, देन डायग्राम को समझना है एंड देन रिविजन. कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बस इसके डायग्राम थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन लेबलिंग एंड दैट्स इट. क्वेश्चंस आते हैं वहीं से आते हैं मोस्टली. सो हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में. सो टिश्यूज होते हैं अलग अलग टाइप के इन प्लांट्स. सबसे पहले तो देखें टिश्यूज होते क्या है. वी नो अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करें दैट इज सेल, दैट सेल विल एग्रीगेट. ओके, द सेल विल एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू and tissue is a group of cell that is having same structure, same origin and same function. Okay, structure, origin and function. तो एक तरीके के cells जिनका structure same होगा, जो same तरीके से originate होंगे और जिनका function भी same होगा, उन्हें उन group को हम कहेंगे tissues. That tissues are going to form organ. Then they are going to form organ system and after that they are going to form organism. Okay,
So this is the hierarchy of a particular organism. Ki organism banta kaise? There are cells, and those cells which are similar in structure, origin and function, wo sare aggregate ho jayenge to form tissues. Those tissues will aggregate to form organ, then organ system, and then organism. इस तरीके से होती है ये पर्टिकुलर हायरार्की। तो अगर हम आगे बात करें कि किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में काफी तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो दो तरीके के पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट टिश्यूज। सो दे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एंड दे कैन बी परमानेंट। नाम ही सब कुछ बता रहा है। मेरिस्टेमेटिक सिंपली मींस मेरिस्टम, विच मींस डिवाइडिंग। सो दीज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहेंगे। एंड इन प्लांट्स द डिवीजन प्रॉपर्टी इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम प्लेसेस ओनली। प्लांट में सारा प्लांट कभी डिवाइड नहीं करता। कुछ स्पेसिफिक पोजिशंस होती हैं इन अ पर्टिकुलर प्लांट विच डिवाइड्स एंड विच इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल इन अ प्लांट, जिसकी वजह से पूरे प्लांट में ग्रोथ होती है। सो दोज रीजंस इन विच एक्टिव डिवीजन ऑफ सेल्स टेक प्लेस is known as meristematic tissue. So meristematic tissue are the actively dividing cells, and they will form primary and secondary structures of a particular plant. So primary or secondary structures banne ke baad, those cells will be differentiated to form a particular function. Jo cell banenge meristematic tissue ki division se, wo cells aage chal ke differentiate hoke alag alag functions karna start kar denge, aur kya hoga wahan par, wo cell tabdeel ho jayenge permanent mein. Now they have differentiated and they have started a particular function. Now they are no more meristematic. Ab wo meristematic nahi rahe, they have lost their capability to divide. Now these are known as permanent tissue. Because permanent tissue has already lost the capability of division, aur ye as it is present hote hain. Ye differentiated ho chuke hote hain and they are performing a particular function. Lekin ye division show nahi kar sakte. So plant tissues honge do type ke, one is meristematic, that is actively dividing cells, and permanent which are not dividing actively, they are differentiated into some other cells jo ki kafi sare functions perform karenge in the body of a particular plant. Now if we will talk about meristematic tissue, they may be primary or secondary. Okay, so primary or secondary alag alag tarike ke ho sakte hain. Primary jo honge wo primary plant body banayenge, yani ki bilkul initial stage pe jab plant just अभी जर्मिनेट होना स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे जो प्राइमरी ऑर्गन्स बनेंगे, जो सबसे पहले ऑर्गन्स बने होंगे, दैट इज वाई द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड आफ्टर दैट जो डेवलपमेंट होगी प्लांट में, जो इंक्रीज इन गर्थ होगी, जो इंक्रीज इन द साइज होगी, जो चौड़ाई बढ़ेगी प्लांट की, दैट इज ड्यू टू द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, सो जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दे मे बी एपिकल मेरिस्टम एंड दे मे बी इंटरकैलरी एंड इट इज नोन एज लेटरल मेरिस्टम। ओके, वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। ओके, सो टिश्यू दो तरीके के होते हैं। दे कैन बी मेरिस्टमेटिक विच हैव एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, दे कैन बी परमानेंट विच डू नॉट डिवाइड एट ऑल, विच हैव लूज द कैपेबिलिटी ऑफ डिविजन। Now the meristematic cell can be divided into primary and secondary meristematic cells. Primary meristematic cells तो बिल्कुल starting से ही primary organs बनाना start कर देंगे. But the plant development is depended on another kind of meristematic tissue, that is known as secondary meristematic tissue, which is also known as lateral meristem. Okay? So now we have three kind of meristems: apical meristem, और apical meristem को भी हम दो भागों में divide कर सकते हैं: root apical meristem एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। एंड क्वेश्चन यहीं से आएगा, सिंस डायग्राम ऑफ दीज टू थिंग्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द रूट एपिकल मेरिस्टम, दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टम। अब इसकी हम लेबलिंग भी देखेंगे और इसके बारे में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मेरिस्टमेटिक और परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन हो चुकी। नाउ द प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू जो कि प्लांट के जर्मिनेट होने से ही ग्रोथ और डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। सो दीज आर स्टार्टेड देयर वर्क एट वेरी इनिशियल फेज। सेकेंडरी टिश्यू थोड़ी बाद में आएंगे, डेवलपमेंट में काम आते हैं। ओके, नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट आर एपिकल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टम क्या होती है सबसे पहले? तो एपिकल मेरिस्टम आर प्रेजेंट एट द एपेक्स, एज द नेम इंडिकेट्स, एपिकल।
so it will be present at apex. और ये दो चीजों की apex पे present होती है. One is at the root tip, this is the root apical meristem. So at root tip, this particular apical meristem is present, so known as root apical meristem. अगर ये shoot की apex पे present हो, that is at the terminal point of shoot, जो shoot के सबसे end वाला distance होगा, longest distance, वहाँ पर present होती है shoot apical meristem. और ये कुछ यहाँ पे present होगी. These black dots are root apical meristem and shoot apical meristem respectively, and they will grow. Okay, ये जो है पूरी root को originate करेगा and it will originate the whole shoot. Shoot पे जितने भी सारी की सारी चीजें हैं, leaves हैं, there are axillary buds, so all these things, stem, all these things are, you know, formed from this shoot apical meristem. क्योंकि इसी में capability है divide करने की. Permanent cell तो कभी divide करेंगे नहीं. So this meristem has the responsibility to make all the parts of a particular shoot. That's why known as shoot apical meristem. And this particular part has the responsibility to grow the root. इसीलिए इसे कहा जाता है root apical meristem. Okay? और primary meristematic tissue की एक function और है. जैसे जैसे divide करते जाएंगे, अपने side में एक arena बनाते जाएंगे. उस arena में होंगे ground tissue. ग्राउंड टिश्यू इज अ काइंड ऑफ मास. वो ग्राउंड टिश्यू जो है सेल को एक एरिना प्रोवाइड करता है. वो बनाते जाएंगे प्राइमरी टिश्यू साथ साथ. डर्मल टिश्यू बनाते जाएंगे. डर्मल टिश्यू मींस एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. ओके, और हमने ग्राउंड टिश्यू की बात की जो कि एरिना प्रोवाइड करेंगे. एंड देर आर अनदर काइंड ऑफ टिश्यू दैट आर नोन एज वस्कुलर टिश्यू. एंड यू नो अबाउट वस्कुलर टिश्यू वेरी वेल. जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम फॉर फूड ट्रांसपोर्ट. जब प्लांट जर्मिनेट होना स्टार्ट हो चुका है तो उसे एक एरिना भी चाहिए और एक पर्टिकुलर ग्राउंड मैट्रिक्स भी चाहिए, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस. वो भी प्राइमरी सेल ही बना देगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट से चाहिए होता है हमें, मतलब प्लांट्स को. सेकंड थिंग इज वस्कुलर टिश्यू. अब हमें वाटर, मिनरल्स और फूड, तीनों चीजें ट्रांसपोर्ट करवानी है ना पर्टिकुलर प्लांट, जो कि वस्कुलर टिश्यू के द्वारा होगा. तो वस्कुलर टिश्यू भी बिल्कुल बिगिनिंग में बन जाएंगे, तो वो भी प्राइमरी सेल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड द थर्ड थिंग इज द डर्मल टिश्यूज. डर्मल मतलब कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, विच आर गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अ पर्टिकुलर प्लांट पार्ट. अगर कोई प्लांट बना है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए. तो जब हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ ए प्लांट ग्रोथ. कि डर्मल टिश्यू उसमें हो, वस्कुलर टिश्यू उसमें हो और ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस उसमें हो, ये सारे के सारे प्राइमरी टिश्यू के ही काम होते हैं. नाउ एपिकल मेरिस्टम में भी रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम. There are intercalary meristem. Inter simply means in between. For example, this is a plant और इनके बीच बीच में यहां पर intercalary meristem present होती है. Why? This kind of meristem is present in grasses. क्योंकि जो grazing animals होते हैं, जो चारा खाने वाले animals होते हैं, वो घूमते रहते हैं grass में और वो grass को खा जाते हैं. For example, इतनी grass वो खा गए ऊपर ऊपर से. So now there is intercalary meristem, जहां से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, घास फिर से बढ़ जाएगी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रासेस. ग्रासेस में अक्सर इस तरीके की मेरिस्टम प्रेजेंट होती है, इसलिए वो बार बार उग जाती है. ओके, क्योंकि रूट एपिकल मेरिस्टम तो सिर्फ नीचे की साइड ग्रोथ प्रोवाइड करती है एंड इट हैज नो शूट एपिकल मेरिस्टम. शूट एपिकल मेरिस्टम अगर यहां पर होती बिल्कुल एपेक्स पे तो वो ग्रेजिंग एनिमल्स खा जाते, तो यहां पर ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं होते. बट इन केस ऑफ ग्रासेस, intercalary meristem is present, which is a kind of primary meristem, जो क्या करेगी, दोबारा growth provide कर देगी. और इसीलिए grass बार बार उग जाती है, क्योंकि grazing animal उसको बार बार खा जाते हैं. So this is a kind of defense mechanism, आप इसे कह सकते हैं कि बार बार ये गायब हो जाती है, तो बार बार उगने के लिए meristem इस जगह पर patchy form में present रहती है, in the form of patches, so that ये बार बार उग सके. Okay? So this is the basics about all these things. Now if we will talk about secondary meristem, तो secondary meristem का काम होता है गर्थ को बढ़ाना. एक पेड़ का तना बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, there is wood formation and it become very tough. So all these things are due to secondary meristem. Secondary meristem has the responsibility to increase the girth and to develop a particular plant. Okay? So this is the function of secondary meristem, which is also known as lateral meristem. क्योंकि जो एपेक्स वाले हैं ये तो ग्रोथ बढ़ाएंगे, लेटरल वाला लेटरली ग्रोथ बढ़ाएगा. ओके, इन अ लेटरल प्लेन. सो उस तरीके से इट इज गोइंग टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टम. ओके, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं आता. आप प्लांट को कभी देखेंगे तो पहले वो
हरा तना रहेगा उसका, बाद में when it grows up to a certain height, उसके बाद उसकी maturation start होती है, तब जाके एक woody appearance आती है उसकी। तो बिल्कुल beginning में नहीं होता, beginning में जो होती है that are due to primary meristem, but it does not take place in the very beginning of a plant development, इसलिए थोड़ी बाद में होता है, that's why it is known as secondary meristem, okay? And this is provided via the lateral meristem, जो कि development करवा देगा एक particular plant की। Now we have to emphasize on the given diagrams. जो diagram दिए हुए हैं काफी ज़्यादा important है, इन पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। यहाँ पर कुछ cells हैं। These cells are present all over this. Okay? But it is shown only a specific region, क्योंकि फिर ये क्या रहते हैं कि diagram काफी ज़्यादा complicated हो जाता है, इसलिए बिल्कुल short region में इसको दिखाया गया है। This is root apical meristem. We know that very well. This is root apical meristem. We have already talked about it. This is shoot apical meristem. Okay? सबसे पहले root की बात करते हैं. This is root cap. Root cap present रहती है root के बिल्कुल tip पे, and that root cap has a function to penetrate into the soil. अब ये बहुत ज्यादा penetrate करने वाले जैसा structure है इसका, अंदर घुसने वाला. So it make a way into the soil. एक रास्ता बनाती है सॉइल के अंदर, सो दैट अ पर्टिकुलर रूट कैन पेनिट्रेट इनसाइड एंड इट कैन स्ट्रेंथ द बाइंडिंग. जो बाइंडिंग होती है एक पर्टिकुलर प्लांट की अर्थ के साथ, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. सो दिस इज नोन एज द सेंट्रल सिलेंडर. यू नो दैट दिस इज हैविंग अ सिलेंड्रिकल शेप एंड दिस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ रूट. सो दिस इज सेंट्रल सिलेंडर. दिस वन इज कॉर्टेक्स. Okay, this one is cortex, and after that there is protoderm. So ये है central cylinder, इसके just बाहर present होता है cortex और उसके बाहर present होता है protoderm. नीचे की side present होती है root cap. This is the root cap initiation region. Root cap के region में यहां से initiation start होगी. So this is the root cap initiation region. अब NCERT में एक ही एरो में दो लेबलिंग कर रखी है वहां पर, तो वहां पर कुछ कंफ्यूजन है. जो कॉर्टेक्स का जो रीजन है यहां से, दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स इनिशिएशन रीजन यहां पर, और यहां पर सेंट्रल सिलेंडर का जो रीजन है, दिस इज नोन एज सेंट्रल सिलेंडर इनिशिएशन रीजन. एनसीईआरटी में दोनों को एक में ही दिखा रखा है, सो यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉर्टेक्स के बारे में बोल रहा है, कौन सा सेंट्रल सिलेंडर के बारे में बोल रहा है. तो आप उनको अलग से भी मेंशन कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला रीजन जहां पर जो लेबलिंग का एरो लगा रखा है, दैट इज द सेंट्रल सिलेंडर, और नीचे की साइड जहां पर लगा रखा है, दैट इज नोन एज द कॉर्टेक्स इनिशिएशन रीजन. ओके, सो दिस इज अबाउट द नॉर्मल लेबलिंग ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टम. रूट एपिकल मेरिस्टम में एक रूट कैप होती है. रूट कैप को इनिशिएट करने वाला रूट कैप इनिशिएटर रीजन प्रेजेंट होता है, जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होती है. देयर इज सेंट्रल सिलेंडर, उसके बाहर होती है कॉर्टेक्स, उसके बाहर होता है प्रोटोडर्म, और इन सबको इनिशिएट करने वाले सीक्वेंसेस भी बिल्कुल यहां पर प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टम के पास, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम से ही इनिशिएशन स्टार्ट होगी, वहीं से सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. सो यहां पर सबका इनिशिएटर रीजन यहां के आसपास होगा. ओके, एंड दीज आर सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर दिस पर्टिकुलर डायग्राम. नाउ इट्स टाइम फॉर शूट एपिकल मेरिस्टम. इन शूट एपिकल मेरिस्टम यहां पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज एक्सिलरी बड. एक्सिलरी बड क्या होता है? जैसे जैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टार्ट होगी तो क्या होगा, दिस पर्टिकुलर शूट एपिकल मेरिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया, क्योंकि शूट की सारी चीजें शूट एपिकल मेरिस्टम ही बनाएगा. तो ये जो लीफ प्राइमोर्डिया बन रही हैं, दीज आर लीफ प्राइमोर्डिया. सो ये जो लीफ बनेंगी आगे चल के, ये भी शूट एपिकल मेरिस्टम ही बना रहा है. स्टेम की जो ग्रोथ हो रही है वो भी शूट एपिकल मेरिस्टम ही कर रहा है. तो जैसे जैसे स्टेम ग्रो करना स्टार्ट करती है, यहां से फॉर एग्जाम्पल यहां पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर रही है, इसके पीछे थोड़ा सा मास छूट जाता है एपिकल मेरिस्टम का. दैट एपिकल मेरिस्टम शो सम पैचेस जो कि पीछे छूट जाते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ, और वो पीछे छूटे हुए मास बना देते हैं एक्सिलरी बड. ये कई बार एक्सिल्स पे छूट जाते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया एज वेल एज स्टेम, और वो जो छूटे हुए मास है ये बाद में डिफ्रेंशिएट करके बना लेते हैं एक्सिलरी बड, और बड से फ्लावर बन जाते हैं. So the formation of all the things such as flowers, fruit, stem, leaf, primordia, all these things which appear on shoot is the responsibility of shoot apical meristem. Okay?
and these are the vascular tissue. These are the developed vascular tissue. Vascular tissue simply means xylem and phloem, जिनके arrangement different type की हो सकती है. Okay? इस तरीके से usually arrange होते हैं. यहाँ पर भी xylem, phloem हो सकता है. And there can be different kind of arrangement. इस तरीके से भी हो सकता है. We are going to read all these things in detail. हम detail में पढ़ने वाले हैं इन हर चीज को. So यहाँ पर you just have to memorize all these names. आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना. बाकी सारी की सारी चीजें detail में आगे अपने आप आ जाएंगी. Okay? So this is vascular tissue, this is axillary bud, this is shoot apical meristem and this is leaf primordia जो कि stem के apex पे present होगा. Now secondary tissue जो हमने पढ़े थे उनके कुछ examples हैं जो कि आगे detail में आएंगे, लेकिन उनके examples पढ़ना जरूरी है. Secondary या फिर lateral meristem को हम कहते हैं interfascicular cambium. It can be called as interfascicular cambium. It can be called as fascicular vascular cambium. And it can be core cambium. अभी इसी चैप्टर में इनकी फर्दर डिटेल्स आएंगी, जहां पर हम इन पर्टिकुलर चीजों का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे इन डिटेल. सो सेकेंडरी यानी कि जो लेटरल मेरिस्टम होती है विच प्रोवाइड इंक्रीज इन गर्थ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट, दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दे मे बी ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दे कैन बी फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम और दे कैन बी कॉर्क कैम्बियम. तो अलग अलग तरीके की चीज होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टमैटिक टिश्यू. हमने बात की थी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज विच मे बी मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट. मेरिस्टमेटिक में भी वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सच एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सेकेंडरी इज ऑल्सो नोन एज लेटरल मेरिस्टम. और प्राइमरी दो तरीके के हो सकते हैं, एपिकल एंड इंटरकैलरी. एपिकल में भी दो तरीके के होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, विच आर डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द मेरिस्टमेटिक टिश्यू. अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ में आई, देन प्लीज डू हिट लाइक बटन. एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन प्लीज डू हिट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर.